नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से ऐतिहासिक चर्चा को लेकर हाजिर हूँ। तो मित्रों, अब तक इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम जो वीडियोस देख चुके हैं, उन्हीं की मैं एक कड़ी और जोड़ने जा रहा हूँ। तो अब तक हम जो अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके थे, तो अगस्त प्रस्ताव और जो द्वितीय विश्वयुद्ध की जो स्थिति थी, हमने ये पढ़ा कि द्वितीय विश्वयुद्ध 3 नवंबर 1939 को जैसे ही वो चालू होता है, 2 सितंबर 1939 को, तो कांग्रेस जो कि लगभग 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई हुई थी, तो ब्रिटिश ने उन लोगों से पूछा नहीं और भारत को युद्ध में धकेल दिया। एक तरीके से उनका होना न होना बराबर था, क्योंकि उनका कोई स्वामित्व माना ही नहीं गया। तो एक तरीके से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और या कहें तो बहुत सारे जो फ्रीडम्स हैं, वो उनका बॉयकट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। मुस्लिम लीग इस दौरान अंग्रेज़ों के नज़दीक पहुंच गई और उसने अन्य दलों से मिलके सरकारें बनाने की कोशिश की, जैसे साम्यवादी दल है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दोहरी भूमिका नज़र आती है। तो ये जो सिचुएशंस थी 1939 से लेकर 1942 के बीच की, इसी में हम एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की भी बात करते हैं, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, दिल्ली चलो मूवमेंट। तो उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस टाइम जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था, अपने जो प्रोविंसेस थे उनमें से, राज्यों में से, जब इस्तीफ़ा देने के बाद, तो कांग्रेस के पास रह क्या गया था? अब कांग्रेस करे भी तो क्या, एक राजनीतिक शून्यता उपस्थित हो गई थी। आप ब्रिटेन ने तो घोषित कर दिया कि भारत भारत है जो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया है, और इसी दौरान मुस्लिम लीग और साम्यवादी पार्टियां ये ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही थी। तो डेफिनेटली यहाँ कांग्रेस के लिए एक शून्यता आ गई थी कि अब कांग्रेस करे भी तो क्या करे। तो कांग्रेस और जो जनता का जुड़ाव था, तो एक तरीके से ये जो शून्यता थी, इसमें कुछ करना लाजमी था और आवश्यक भी था। तो इस दौरान इस्तीफा तो दे चुके हैं, अब 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ललित को महोदय लाए थे, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस को एक तरीके से खुश करना या फिर राजी करना उनके वर्डवार के लिए फ़ायदेमंद था। तो अगस्त प्रस्ताव के जो चीज़ें लाई गई थी 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड ललित को महोदय से, क्योंकि ललित को ही उस समय वायसराय थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो वो उस प्रस्ताव को लाए। उस प्रस्ताव से भी कांग्रेस खुश नहीं हुई और उस प्रस्ताव को एक तरीके से सारी पार्टियों ने अस्वीकृत कर दिया। तो अब समस्या ये थी कि कांग्रेस अब क्या करे। अगस्त प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, और जब भी ब्रिटिश ने भारतीयों के युद्ध में झोंक रखा है, और अब यहाँ पर इंडिया डिफेंस एक्ट भी वो लेके आएंगे, वो अंग्रेज़ हैं वो लेके आ गए हैं। तो वो इसलिए लेके आए हैं कि जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ इस दौरान हो तो उनको कुचला जा सके। प्रेस की स्वतंत्रता है वो ख़त्म कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी ख़त्म कर दिया गया, और फ्रीडम और जो राइट टू ऑर्गेनाइज था, संगठित होने का जो एक अधिकार था, तो वो भी अंग्रेज सीमित कर चुके थे। मतलब एक तरीके से दबाया, सप्रेशन कुचला जा रहा था भारतीयों को। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत आज़ादी और बहुत सारे जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे धकेले जा रहे थे। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपने आप का जो सेल्फ एस्टिमेशन किया कि यार ये तो हम लोगों को कमज़ोर समझ रहे हैं, कांग्रेस के धैर्य की परीक्षा है, तो हम इसका मतलब आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मास मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। तो बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहते थे हिंसा की वजह से। तो उस समय गांधी जी से जब राय पूछी गई, तो उन्होंने एक सीमित सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार वो लाए कि भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाएगा और इनकी जो ये गलत कारस्थानियाँ हैं, इनका जो विरोध है अहिंसक तरीके से व्यक्तिगत रूप में करेंगे, हम व्यक्तिगत गिरफ्तारियाँ देंगे और मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे जगह की कि हम वहाँ भाषण देने जा रहे हैं। और वो एंटी बार जो द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए भाषण हैं
कि भाई भारत तो इनका समर्थन नहीं करता है और ये शोषणकारी इनकी नीतियाँ हैं, दमनकारी जो नीतियाँ हैं वो जनता के सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की सोच गांधी जी की थी, अहिंसा का आंदोलन तो उनका था ही। अब गांधी जी के पास एक बार फिर दोबारा 1940 में कांग्रेस की कमान आ गई है, तो एक बड़ा आंदोलन करने के बजाय उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को अंजाम देना बेहतर समझा। और इस आंदोलन की परिस्थितियाँ अगस्त प्रस्ताव और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने से और मुस्लिम लीग के और साम्यवादियों के गठन हो जाने से और आम जनता में कांग्रेस के प्रति एक जो सोच थी उसको सकारात्मक रूप देने के लिए, या फिर ये कहें कि स्वतंत्र जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको गति देने के लिए ये यहाँ पर कोई ना कोई कदम उठाया जाना आवश्यक था। तो क्यों ना वर्ल्ड वार को अपोज किया जाए, वर्ल्ड वार का ऑब्जेक्शन इन्होंने किया है, तो ऑब्जेक्शन किया है, मंत्रिमंडल उस त्याग पत्र दिया है, इन जो ब्रिटिशर्स हैं इन पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, ये किसी प्रकार से रुक नहीं रहे हैं और सारी दमनकारी नीतियाँ हैं वो चालू हैं, तो डेफिनेटली एक आंदोलन की आवश्यकता फील हुई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा स्वयं की गिरफ्तारियाँ, तो इसमें सबसे पहले पवनार आश्रम से ये स्टार्ट किया जाता है अक्टूबर 1940 में, और विनोबा भावे जो अब तक किसी भी प्रकार के मूवमेंट से दूर थे उनको लॉन्च किया गया पहले सत्याग्रही के रूप में, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू आए और तीसरे में ब्रह्म दत्ता है। तो इस प्रकार से जो ये जो विनोबा भावे थे बाद में भूदान आंदोलन से भी जुड़े, ये एक तरीके से आध्यात्मिक शिष्य थे गांधी जी के, तो वो उन्होंने बेटर सिचुएशन में इनको देखा कि हाँ चलो ठीक है अच्छे हैं ये लॉन्च करेंगे। तो उनका काम ये था कि वो गांव-गांव जाएं, लोगों को जागृत करें, कॉन्शियस करें और फिर बताएं कि ये हम भारत है जो ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहा है, वर्ल्ड वार में वर्ल्ड वार गलत है, वर्ल्ड वार सेकंड है वो गलत है। तो इस तरीके की से और राइट टू स्पीच फ्रीडम और ऑर्गेनाइज इन सारी चीज़ों को जो मतलब दबाया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस चीज़ का वो अपोज कर रहे थे। तो वो लिखित में मजिस्ट्रेट को सूचना दे देते थे कि ये जगह रहेगी, ये भाषण रहेगा हमारा, तो वो जब तक चलता जब तक वो उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो इनका गिरफ्तारियाँ इस बाबत एक तरीके से फ्रीडम टू स्पीच, अब यहाँ व्यक्ति का सत्याग्रह का कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए या डोमिनेंट स्टेटस चाहिए वगैरह वगैरह, यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो फ्रीडम स्पीच की हो रही है, स्पीच राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच टू ऑर्गेनाइज, मतलब एक तरीके से हमको बोलने की अभिव्यक्ति की और अपने आप के अधिकारों की बात रखने की जो बात है वो रखी जाए। अब आप लोगों ने तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया है, हमसे बगैर पूछे युद्ध में धकेल दिया भारत को, और हमसे किसी प्रकार को पूछा नहीं जा रहा है। तो किसी भी जो एक सबसे बड़ा जो दल है कांग्रेस, भारत का सबसे बड़ा दल था, अगर वो ऐसी बातें करता है कहता है और इंटरनेशनल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें सुनी जाती हैं, तो ये पता चलता है कि ब्रिटेन के पास वो समर्थन नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में डेफिनेटली ब्रिटेन की तरफ जो चीज़ें सिचुएशंस होंगी वो गड़बड़ाएंगी। इसी दौरान 40 से 41 के बीच में जो जापान है वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, मलाया, फिलीपींस, सिंगापुर और इस तरफ हांगकांग की तरफ, ये सारे उसने कैप्चर कर लिए हैं और वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ भी एक सिचुएशन अलग हो रहा है, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से ब्रिटेन को भी घबराना पड़ेगा, और जो ब्रिटेन के सपोर्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मित्र राष्ट्र अमेरिका, 1941 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर अटैक कर दिया जापान ने, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी अब खुल के सामने आने लगे और उन्होंने ब्रिटिश पे दबाव भी डाला कि भैया आप क्या कर रहे हो, भारतीय लोगों का सहयोग लीजिए अन्यथा युद्ध हाथ से चला जाएगा, हो सकता है कि जापानीज भारत में घुस जाए। और सुभाष चंद्र बोस का आईए जो इंडियन नेशनल आर्मी था वो भी लॉन्च हो रहा था, वो चल रहा था। तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशंस थी सारी इस बिटवीन ही चल रही थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो मूलतः जो मुद्दा था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठित होने का अधिकार, ऐसी मौलिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो इन चीज़ों को मतलब एक तरीके से कम ना आंका जाए और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का जो आंतरिक और बाह्य शोषण हो रहा है भारतीय लोगों का, तो वो अंतर्राष्ट्रीय
बिरादरी के सामने लाना जरूरी है। तो महात्मा गांधी का ये अप्रोच था। अब सिचुएशन ये थी कि इस आंदोलन में पहले जो फर्स्ट फेज हुआ एक तरीके से, जो 1940, ये अक्टूबर 1940 से लेके दिसंबर 1940 तक तो सिर्फ ये रखा कि भाषण देंगे और जाके गिरफ्तारी देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ा तो लोगों को भी एक तरीके से इकट्ठा होना स्टार्ट किया। राइट टू ऑर्गेनाइज भी था, लोग इकट्ठे होंगे और वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। तो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली है कि एक बड़ा आंदोलन लॉन्च होगा धीरे धीरे। तो इसीलिए इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। अब दिल्ली चलो आंदोलन हो गया। अब दिल्ली चलो आंदोलन की जो बुनियाद है ये, अब यहाँ पर हमको ये देखना था कि अब किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर आगे जो परिणाम आएंगे, इसके सिक्वेंसेस जो आएंगे, तो वो उसके तौर पर ही क्रिप्स मिशन आएगा, ब्रिटेन भारतीय से बातचीत करेगी। लेकिन दिसंबर 1941 आते आते एक बार ये 1940 में स्थगित भी कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा जनवरी 1941 से शुरू कर दिया और दिसंबर 1941 तक चालू रहा। दिसंबर 1941 में जाके कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजुलेशन प्रस्ताव पास किया, संकल्प प्रस्ताव पास किया कि भाई हम सशर्त युद्ध को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन को हम युद्ध में मदद दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या है कि टोटल फ्रीडम चाहिए, मतलब कंप्लीट पूर्ण स्वराज, एक तरीके से कहे तो पूरी आज़ादी, टोटल फ्रीडम। और इस बिटवीन ये सारे प्रोसेस तुरंत होना चाहिए और एक तरीके से आंतरिक प्रावधान भी थे। तो ये जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया, अब 1941 जैसे ही ख़त्म होता है 1942 शुरू होता है, तो इसी की बुनियाद पर आगे हम क्रिप्स मिशन को देखते हैं। तो मित्रों, ये दिल्ली चलो आंदोलन का एक सिचुएशन था, एक कंडीशंस थी जो मैंने आप लोगों को बताई, जिसे व्यक्ति का सत्याग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी एक बड़ा आंदोलन न करके व्यक्ति का सत्याग्रह करते हैं, तब क्योंकि वो जानते हैं कि अब तक जो आंदोलन हुए उनमें बहुत सारी हिंसा हुई और बहुत सारे लोग मारे गए और उनका परिणाम ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं से, और उस समय की जो स्थितियाँ हैं वो कि ब्रिटेन को भी ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, ब्रिटेन युद्ध में युद्धरत है, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ भी गांधी जी भांप रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यही है कि वो ये भी समझा रहे थे कि भाई भारतीयों के धैर्य की परीक्षा ना लो और ये ना समझो कि हम अपनी मांगों से पीछे हट गए हैं। तो इस तरीके की जो सारी बातें थी वो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं कोशिश, मतलब इस चीज़ को समझाने में आपको शायद सफल हुआ हूँ या नहीं वो और बात है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।